देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों से मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर है। दरअसल जवान बरकोट के जंगलों के रास्ते जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने पीछे से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से दो जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद नक्सली घने जंगलों में फरार हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में जीएसटी व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी से होने वाले फायदे व्यापारियों को गिनाए और आने वाले समय में जीएसटी से होने वाले प्रॉफिट की जानकारी दी। इस दौरान व्यापारियों ने पीयूष गोयल से कई सवाल जवाब भी किए। छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा ब्लॉक में आसमानी बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की रिसर्चर ममता त्रिपाठी ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, जो कि कीमोथेरेपी का बेहतर विकल्प हो सकता है। ममता त्रिपाठी को ये रिसर्च करने में कुल 3 से 4 साल का वक्त लगा। छत्तीसगढ़ की लोक गायिका सीमा कौशिक को जनता कांग्रेस की महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। उनको ये पद अजीत जोगी के निर्देश पर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जनता कांग्रेस का महिला विंग का ये पद लंबे समय से खाली पड़ा था। रायपुर में जगन्नाथ मंदिर में सीएम रमन सिंह और राज्यपाल बलराम दास टंडन ने जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम रमन सिंह ने पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरी दुल्हन उन लड़कों को टारगेट करती थी जिनकी लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी, और उसके बाद ये गैंग मिलकर ऐसे लड़कों से पैसे ऐंठना, ब्लैकमेलिंग करना और गैंग रेप के फंसाने के मामले में लड़कों से पैसे ऐंठा करते थे। तो छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।